आईपीएल 2024 शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को लगे एक के बाद एक कई बड़े झटके। एक साथ पांच बड़े खिलाड़ी हुए बाहर। बताएंगे क्या है पूरी खबर और साथ में आपको बताएंगे कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जो आईपीएल 2024 से बाहर हो सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप आईपीएल 2024 के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2024 का सीजन अब ज्यादा दूर नहीं है। आईपीएल 2024 की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है। आईपीएल 2024 का पहला ही मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को खेलना है। 22 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। आईपीएल 2024 के लिए सभी टीमों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी इस बार प्रबल दावेदार मानी जा रही है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी बहुत ही जल्द अपनी तैयारियां शुरू करेगी। आईपीएल 2024 शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को एक के बाद एक कई बड़े झटके लग चुके हैं। पांच ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक साथ आईपीएल 2024 से बाहर हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं पांच खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं। यहां पर पहला नाम है शिवम दुबे का। शिवम दुबे रणजी ट्रॉफी के दौरान अपने आप को चोटिल कर बैठे हैं। शिवम दुबे की चोट गंभीर है और लगभग अगले 8 हफ्ते तक मैदान से दूर रहने वाले हैं। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि शिवम दुबे आईपीएल 2024 का पूरा सीजन भी मिस कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये एक बड़ा झटका है। यहाँ पर दूसरा नाम डैरिल मिचेल का है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने डैरिल मिचेल को एक बड़ी बोली लगाकर अपनी टीम के साथ जोड़ा था। हालांकि डैरिल मिचेल को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। डैरिल मिचेल भी इस समय चोटिल है और न्यूजीलैंड की तरफ से ना तो वो T20 क्रिकेट में खेल रहे हैं और ना ही टेस्ट क्रिकेट में। आईपीएल 2024 अब ज्यादा दूर नहीं है। अगर उनकी चोट गंभीर होती है तो डैरिल मिचेल भी आईपीएल 2024 से बाहर हो सकते हैं। यहाँ पर तीसरा बड़ा नाम है डेवन कॉनवे का। डेवन कॉनवे चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। पिछले सीजन में बतौर ओपनिंग बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने लाजवाब प्रदर्शन किया था। हालांकि डेवन कॉनवे के अंगूठे में चोट लगी है और खबरों की माने तो उनकी ये चोट काफी गंभीर है। खबरें तो ये भी आ रही है कि वो आईपीएल 2024 का पूरा सीजन मिस कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स की रेगुलर ओपनिंग जोड़ी में भी हमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस लिस्ट में चौथा नाम है रचिन रविंद्र का। रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। ऑक्शन के दौरान चेन्नई की टीम ने रचिन रविंद्र को अपनी टीम के साथ जोड़ा था, लेकिन यहां पर खबर आ रही है कि रचिन रविंद्र भी अपने आप को चोटिल कर बैठे हैं। रचिन रविंद्र की अगर चोट गंभीर होती है तो वो भी शुरुआती कुछ मुकाबलों से बाहर हो सकते हैं। यहां पर पांचवा नाम है तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान का। मुस्तफिजुर रहमान को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इसी ऑक्शन में खरीदा था। मुस्तफिजुर रहमान के सिर में चोट लगी है और इसी वजह से उनका आईपीएल 2024 में खेलना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये वो पांच खिलाड़ी हैं जो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आईपीएल 2024 का सीजन मिस कर सकते हैं और निश्चित तौर पर इन पांचों ही खिलाड़ियों का बाहर होना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बुरी खबर है। आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2024 में खिताब जीत पाएगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।